लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 15वें दिन लंच टाइम मार्च जोर जोर से जारी रखा। इसी बीच अनुबंधित शिक्षकों को विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा ने दोबारा 12 सदस्यीय प्रतिनिधियों को उनके सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की अगुवाई में प्रशासन को पहले से सौंपी गई 9 सूत्रीय मांगों पर विस्तृत चर्चा के लिए बुलाया। अनुबंधित शिक्षकों के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की तरफ से डॉक्टर अभिनव, डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, डॉक्टर पुरुषोत्तम, डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर श्वेता कश्यप, सरिता मान, डॉक्टर योगिता, राहुल गर्ग ने वार्तालाप में हिस्सा लिया। अनुबंधित शिक्षकों के प्रतिनिधियों में कुल सचिव के बीच हुए विस्तृत वार्तालाप में 9 सूत्रीय मांगों में से 5 पर मौखिक सकारात्मक सहमति जाहिर हुई। 9 सूत्रीय मांगों में से कुल सचिव ने जो सकारात्मक रवैया अपनाया उनमें अनुबंधित शिक्षकों का न्यूनतम वेतनमान 22 सितंबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अविलंब प्रदान करना एवं बकाया एरियर की राशि का भविष्य में भुगतान करना रही। अनुबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु केंद्रीकृत व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जाएगा। वह माह की 7 तारीख तक वेतन निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। स्थायी शिक्षकों के समान अनुबंधित शिक्षकों को भी सभी प्रकार के अवकाश प्रदान करने पर विचार होगा। ये अवकाश अनुबंधित शिक्षकों को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अध्यादेश में पहले से निर्धारित है। फिलहाल अभी उन्हें प्रतिमाह 1 दिन का ही अवकाश दिया जा रहा है। अनुबंध पर कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों के लिए सेवा सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा। ज्ञात है कि दिनांक 23 जून 2020 को मेमो नंबर 18/91/2020 UNP-4 निदेशक उच्च शिक्षा विभाग पंचकुला हरियाणा की तरफ से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अनुबंधित आधार पर कार्यरत प्राध्यापकों के लिए सेवा सुरक्षा लागू करने के लिए निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इस पत्र के अनुसार 15 दिनों के अंदर इसे लागू करके कार्रवाई की रिपोर्ट भेजनी थी। अनुबंधित शिक्षकों को स्थायी शिक्षकों की भांति शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक भूमिकाओं जैसे शोध निर्देशक, रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, सेमिनार इत्यादि में समान कैरियर सुधार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुबंधित शिक्षकों ने कहा कि हमारी 9 सूत्रीय मांगों पर उपरोक्त 5 सहित शेष 3 मांगों पर आज माननीय कुलपति के साथ होने वाली मीटिंग में पुनः वार्तालाप किया जाएगा। शेष 3 मांगों में मुख्यतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा महिला शिक्षकों के प्रति अभद्र व्यवहार के प्रति खेद जाहिर करना व सभी अनुबंधित शिक्षकों के मान सम्मान को बहाल रखने के लिए उचित दिशा निर्देश तय करना, विश्वविद्यालय वित्तीय अनियमितताओं की सक्षम एजेंसियों द्वारा जांच करवाई जाए, अनुबंधित शिक्षकों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाए। इस अवसर पर डॉक्टर शिल्कराम, डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर योगिता, डॉक्टर श्वेता, दिशा चाबड़ा, स्नेह लता, ऋतु, डॉक्टर अभिनव, अमित जांगड़ा, गौरव, पंकज, डॉक्टर ज्ञान सागर, राकेश, राहुल अरोड़ा, सचिन कुमार, पंकज, डॉक्टर नवीन चहल, डॉक्टर महेश, डॉक्टर विनीत, शिषपाल इत्यादि मौजूद रहे।